यस प्रभु जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। So we are going to start this revision session. This is our concluding session. I congratulate and thank all the participants for their very, very enthusiastic participation in Mridanga class. So this is our I'm feeling greatly fortunate. So in this very modern age and all your busy schedules, you have taken out time to complete this course. So it's a most fortunate thing for any person. Yeah. So today we are going to discuss something about theory exam. So if you will ask, why should we have theory exam for Mridanga? So can anybody answer? थ्योरी हर चीज की थ्योरी होती है, थ्योरी के बड़े प्रैक्टिकल होता है। सो मतलब म्यूजिक का शास्त्र क्या है, म्यूजिक क्या है, मतलब जो हम भी चीजें बजा रहे हैं, तीन मतलब तिहाई क्या है, ताल क्या, मुझे भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वरना हम बस बजाने बजाने के रह जाएंगे। बट मतलब म्यूजिशियन शुड नो एवरीथिंग, थ्योरी पता होनी चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। इसलिए Yeah, we should know everything of something and something of everything. Yeah, so everything of something मतलब मृदंग अभी लिया है हमने सब्जेक्ट, इसके लिए मृदंग के बारे में सारी चीजें जाननी है। सारी चीज जान जाते तो सीखने में और इंटरेस्ट पैदा होता है, और कैसे जो कोई चीज करते हो लगाव के साथ करनी चाहिए। तो इसका ये जो तक है कि मृदंग के बारे में हम सब कुछ जाने। थ्योरी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इंजीनियरिंग के पेपर है, डॉक्टर के पेपर है, MBBS के, ऐसा थ्योरी वो नहीं है। थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें मृदंग बजाने में और भी इंटरेस्ट आ जाएगा, और इससे लीगेसी प्रिजर्व होती है। जो कुछ हम चर्चा करेंगे उससे क्या होना है, होने वाला है लीगेसी, जो संपदा है, जो ज्ञान है, वो प्रिजर्व होने वाला है। उससे पहले हम एक शॉर्ट प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंस ऑफ संकीर्तन यज्ञ इन द एज ऑफ कली एंड रोल ऑफ मृदंग एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन संकीर्तन। कितना आसान प्रश्न है, कलयुग में संकीर्तन का महत्व क्या है ये बताइए। क्या है महत्व? कृतेध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतोमुख है, द्वापर परिचर्याम कलोत्तर हरि कीर्तना। कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, इसमें ये लिख सकते हैं। मृदंगा का क्या दायित्व है, मृदंगा प्लेयर का और मृदंगा का संकीर्तन में? मृदंगा का दायित्व है कि मृदंगा इज लाइक अ स्ट्रिंग, और उसके ऊपर फूल यानी कि संकीर्तन महामंत्र, जैसे कंठी माला है इसके ये मणि मणि है पर एक धागे के ऊपर आश्रित है, वैसे ही मृदंग का जो ताल है उसके ऊपर कीर्तन आश्रित रहते हैं। सो मृदंगा इज बैकबोन ऑफ कीर्तन एंड बैकबोन शुड रिमेन इन बैकबोन ओनली। तो ये ध्यान में रखना है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल है कीर्तन में? करताल का क्या रोल है? तो कैसा रोल है? हारमोनियम सिंगर ये मेन है, सिंगर को अकंपनी करता है हारमोनियम को अकंपनी करता है मृदंग प्लेयर को अकंपनी करता है करताल प्लेयर। तो सारे अलग अलग वाद्यों का
दायित्व है संकीर्तन में संकीर्तन का आनंद बढ़ाने में, संकीर्तन में और रस डालने के लिए। जैसे कोई सब्जी है, सब्जी में धनिया पत्ता रहता है, खोबरा रहता है, कुछ तो अलग से ऊपर से चटनियाँ डालते हैं, तो उसी तरह से संकीर्तन में अलग अलग वाद्य संकीर्तन का रस बढ़ाते। जैसे कि विग्रह का श्रृंगार, विग्रह के श्रृंगार में भगवान को यहाँ पे कुछ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे मोरपंख लगाएंगे, अलग अलग दुपट्टा पहनेंगे, तो संकीर्तन यानी कि ये विग्रह है और अलग अलग धुन, अलग अलग राग, मृदंग के अलग अलग ताल, करताल के ताल, ये उसमें लगाया हुआ डेकोरेशन है। ओके, तो ये रहा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रणति मंत्र, मृदंग का प्रणति मंत्र लिखिए और उसका अर्थ बताइए। तो मृदंग का प्रणति मंत्र क्या है? मृदंगाय ब्रह्म रूपाय लावण्यम रसमाधुरी सहस्र गुण संयुक्त मृदंगाय नमो नमः। मृदंगाय ये चतुर्थी में है, मृदंगाय चतुर्थी आता है, मृदंग को मृदंगाय ब्रह्म रूपाय, ब्रह्म रूप मतलब जिसका शरीर आध्यात्मिक है, लावण्यम जो कि दिखने में बहुत सुंदर है, रसमाधुरी सारे रसों का वह आगार है, सहस्र गुण संयुक्तम हजारों हजारों उसमें गुण है, मृदंगाय नमो नमः ऐसे मृदंग को मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। तो ये मृदंग का प्रणति मंत्र है, मृदंगाय ब्रह्म रूपाय लावण्यम रसमाधुरी सहस्र गुण संयुक्तम मृदंगाय नमो नमः। नमो नमः मतलब ऐसे मृदंग को मैं नमन करता हूं। तो अगला प्रश्न है, विच आर द डिफरेंट ट्रेडिशनल मृदंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज देयर टेक्निकल नेम। भारत में अलग अलग प्रांतों में मृदंग को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत आसान उत्तर है, नॉर्थ में ढोलक, दक्षिण भारत में मृदंगम, वेस्टर्न साइड मतलब गुजरात महाराष्ट्र इसमें पखवाज, और ईस्टर्न साइड में मृदंग। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ईस्ट साइड में मृदंग, वेस्ट साइड में पखवाज, साउथ साइड में मृदंगम, नॉर्थ में ढोलक। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिड मृदंगा अपीयर इन गौर लीला फ्रॉम कृष्ण लीला। गौर लीला से कृष्ण लीला में मृदंग, कृष्ण लीला से गौर लीला में मृदंग कैसे आए? तो इसके पीछे बहुत सुंदर स्टोरी है कि कृष्ण गोलोक से धरातल पे आना चाह रहे थे, महाप्रभु बन गए, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रचार करने आने वाले थे। आते वक्त बांसुरी को बोले कि अभी मैं गौर महाप्रभु बनूंगा, मैं सन्यासी बन के आऊंगा, आपका कुछ काम नहीं है, ऐसा बांसुरी को बोले कृष्ण। बांसुरी रोने लग गए, बांसुरी नहीं मुझे आना है, आना है, मुझे कौन सी परिस्थिति में आना है। चलो कृष्ण बोले ठीक है आ जाओ, तो अब की बार आप बांसुरी नहीं बनोगे, अब की बार मृदंग बनोगे। तो बांसुरी बन गई मृदंग। इस तरह से कृष्ण लीला से गौर लीला में बांसुरी जो है वो मृदंग बन के आई। ओके ओके, सेंड देन ड्रॉ द मृदंग डायग्राम एंड शो द डिफरेंट डिटेल पार्ट्स ऑफ इट। मृदंग का डायग्राम निकालिए और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट्स बताइए। तो डायग्राम का मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा सर। प्रभु ये सब क्वेश्चंस और आंसर्स भी व्हाट्सएप करेंगे। वो अभी क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, पर ये व्हाट्सएप करूंगा तो पेपर लीक हो जाएगा। व्हाट्सएप में करूंगा परंतु एग्जाम के 5 मिनट पहले। कब होगा प्रभु एग्जाम? बताता हूँ मैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी निकालने का इरादा है मेरा ऑनलाइन। यस, मृदंग पार्ट्स तो
आई विल व्हाट्सएप यू, और विश्व किरण प्रभु को मैं स्क्रीन शेयर करने को रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके प्रभु जी। मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ। यस, मैंने दिया है, तो कृपया स्क्रीन शेयर कीजिए। यस प्रभु जी, एक एक मिनट। प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा ब्रो? प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, वो दो तरीके का रहेगा। एक तो मैं आपको जो जो सिखा है लेवल वन में वो मैं बजा के दिखाने को बोलूंगा मंत्र के साथ, और दूसरा महामंत्र के साथ। ये भी एग्जाम होने वाली है, और ऐसा नहीं कि ये एग्जाम कुछ कर्मी एग्जाम जैसा, ऐसे नहीं। ये जस्ट सबका उत्साह बढ़ाने के लिए एग्जाम रहने वाली है। तो स्क्रीन शेयर किया ना? हाँ, एक मुझे बस एक ही मिनट है, मैंने मिनट। एक्चुअली मेल करके लिया है। मैं एक्चुअली ऑफिस के लैपटॉप से लॉग इन हूँ ना, तो ओके, मैंने मेल किया शुड आई था। शेयर? हाँ प्रभु जी, अगर कर सकते हो तो। मुझे एडमिन बनाया ना। एक मिनट करता हूँ आपको। हाँ प्रभु जी, कर दे, मैंने आप एडमिन कर। Yes, duties are able to see. यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु। ये है कवर पट्टा, बहुत आसान है। देखो ये एग्जाम कितनी रोचक है, कितने सादे सादे आंसर है। ये तो हमें कॉलेज में प्रोसेसर 8586 का डायग्राम निकालिए ऐसा बोला जाता था, तो कितना, पर उससे कंपेयर किया तो कितना ही रोचक है। तो देखिए, कमर पट्टा, ये अंग, मृदंग का अंग, ये जो स्ट्रैप है बाजू में उसको बोलते हैं विचाका, ये दयान बयान, दयान साइड में नित्यानंद प्रभु वास करते हैं, बयान साइड में गदाधर, और ये बॉडी पे चैतन्य महाप्रभु। और ये जो स्ट्रैप्स हैं 64 स्ट्रैप्स, चैतन्य महाप्रभु के वक्त जो 64 महंत थे, जो मेन मेन महाप्रभु के जो परिकर, चैतन्य गौर लीला में 550 साल पे जब महाप्रभु आए थे, ये सारे वो पार्ट्स, वो वैष्णव तो पर 64 मतलब 64 और रेखा है अंदर की, और ये साइड व्यू, बीच में स्याही, मैदान, किनार, क्या है स्याही, फिर जो बीच में का पार्ट है वो मैदान, फिर किनार। ओके, ये गजरा भी बोलते हैं, ये जो लेदर है गजरा भी बोलते हैं। सेम यहाँ पे छोटे साइड पे स्याही, मैदान, किनार, कमर पट्टा। ओके, एनी डाउट प्लीज आस्क। अब तक का जो चर्चा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत ये प्रणाम। पूछना है कि प्रभु जी, मृदंगा का पिक्चर आएगा और हमें पार्ट्स लिखने होंगे, हमें मृदंगा भी ड्रॉ करने हैं और लाइक अलग अलग पोजीशंस में। हाँ, मृदंग ड्रॉ करना है आपको। ओके ओके Yes. मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत माइन्यूट ड्राइंग चाहिए और उसमें कलर विलर भरना है, ऐसा नहीं। जस्ट अच्छा मुझे जस्ट ये समझ में कि आपको समझ गए हैं नहीं, ये पार्ट्स को ये बोलते हैं, ये वो पार्ट्स को बोलते हैं, जस्ट मुझे चेक करने कि आपको समझ गए हैं बस, बाकी कुछ नहीं। ओके धन्यवाद प्रभु जी। ओके, अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कीर्तन एटिकेट इन इन टर्म्स ऑफ साउंड लेवल ऑफ मृदंग, करताल एंड ऑल्सो सिटिंग अरेंजमेंट्स। मृदंग की एटिकेट मतलब सदाचार क्या है मृदंग के, तो मृदंग की एटिकेट यही है कि मृदंग
इज बैकबोन ऑफ कीर्तन एंड बैकबोन शुड रिमेन इन बैक ओनली. मतलब मृदंग वादक को हावी नहीं होना है सिंगर के ऊपर, नहीं तो सिंगर मृदंग प्लेयर ने सिंगर के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि सिंगर ने मृदंग के प्लेयर के हिसाब से. तो इसीलिए मृदंग प्लेयर ने क्या करना है, बार बार सिंगर की आंखों की तरफ इशारे देखने कि इसको अभी क्या अपेक्षित है, एक बॉडी लैंग्वेज रहती है. ओके, तो जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए, आई विल गेट बैक, somebody is there on my doorstep. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा अजय गौरा प्रभु जी म्यूटेड. हरे कृष्णा प्रभु जी, अब क्या करना है? हरे कृष्णा, या आई एम बैक नाउ. यस, एक्चुअली समबडी वाज देयर ऑन माय डोरस्टेप. या सो अब तक का जो चर्चा हुआ उसमें कुछ किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल मूव अहेड विद फर्दर क्वेश्चंस. हमारा चर्चा लग रहा था कि कीर्तन एटिकेट क्या है. कीर्तन एटिकेट है कि मृदंग ने हावी नहीं होना है, मृदंग प्लेयर ने हावी नहीं होना है सिंगर के ऊपर, और करताल प्लेयर ने हावी नहीं होना है मृदंग के ऊपर. तो ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, सो एक्स वॉट हाँ सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए. पहले सिंगर सिंगर के पहले सिंगर सिंगर के बाद सिंगर को सिंगर के दृष्टि शेप में सब चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि सिंगर यहाँ गा रहा है और मृदंग प्लेयर पीछे बैठा है, वो क्या इशारे करेगा मृदंग प्लेयर को. सिंगर के आजू बाजू हारमोनियम प्लेयर, उसके आगे मृदंग प्लेयर, उसके आगे करताल प्लेयर, ऐसे सिंगर के सब इशारे वो देखने के स्थिति में चाहिए, ना कि उनके पीछे चाहिए. तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है. ओके, सो अगला प्रश्न है, मृदंग के अलग अलग घराने हैं, वो घराने का नाम बताइए और एक एक घराने का आचार्य बताइए. जैसे कि क्लासिकल सिंगिंग में भी घराने रहते हैं, आगरे का घराना, कर्नाटकीय क्लासिकल, ग्वालियर, यस घराना. तो अलग अलग घराने बताइए मृदंग के और उसका उनका आचार्य बताइए. तो एक मिनट. Yes. So, उनका मैं घराना बोलता हूँ. गरल हाथी मनोहर शाही रेनेती मंदारिनी, ये सारे नोट्स मैंने अभी भेजे जस्ट ग्रुप पे भेजे है, तो उसके आधार पे ही सारे क्वेश्चन रहेंगे. कौन से घराने हैं? गरल हाथी मनोहर शाही रेनेती मंदारिनी, ये चार घराने हैं. ओके, तो इसमें गरल हाथी हम जिस संप्रदाय में सीख रहे वो गरल हाथी संप्रदाय. गरन हाथी के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, मनोहर शाही के आचार्य श्रीनिवास आचार्य, रेनेती के आचार्य श्यामानंद और भवानंद, और मंदारिनी अभी लुप्त तो हो चुकी है इसलिए किसको पता नहीं कि इसके आचार्य कौन है क्या है. तो ये चार है,
गरनहाथी मतलब नरोत्तम दास ठाकुर, मंदारिनी मतलब श्रीनिवास आचार्य, रेनिति मतलब श्यामानंद प्रभु भवानंद प्रभु, और चौथा है मंदारिनी। ओके हमारा कौन सा है संप्रदाय? गरनहाथी नरोत्तम दास ठाकुर, मंदारिनी श्रीनिवास आचार्य, रेनिति श्यामानंद प्रभु भवानंद प्रभु, और मंदारिनी लुप्त हो चुकी है। आपने सेकंड में मंदारिनी बताया? हाँ, सेकंड आचार्य का कौन सा बताया? श्रीनिवास आचार्य, मंदारिनी श्रीनिवास आचार्य, वही लुप्त हो चुका है। या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मूड ऑफ मृदंग प्लेयर? मृदंग प्लेयर का मूड क्या होना चाहिए? तो मृदंग प्लेयर का मूड होना चाहिए कि नॉट टू शो ऑफ द स्किल बट टू असिस्ट एंड टू सर्व द होली नेम। हमेशा दिखावा नहीं करना है मृदंग प्लेयर ने, यही उसका मूड होना चाहिए। और सेवा भाव कि हरिनाम की सेवा और कीर्तन की सेवा और भक्तों की सेवा, इस भाव में मृदंग प्लेयर ने मृदंग बजाना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री गोल्डन रूल्स? तीन गोल्डन रूल क्या है फॉर मृदंग? या सो फर्स्ट रूल इज प्ले स्लो एंड स्टेडी फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वेरी स्लोली फर्स्ट टू गेट क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी बिट। ओके स्लोली प्रैक्टिस करना है स्टार्ट में, जैसे हम श्लोका बाय हार्ट करते हैं तो फास्ट फास्ट नहीं करते, जितना स्लो करेंगे उतना श्लोका ज्यादा आत्मसात होता है। वैसे ही मृदंग प्रैक्टिस शुड बी वेरी वेरी स्लो, जैसे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्ध व्यवसाय नाम, किसको क्या समझा कुछ नहीं, तो यही मैं स्लो यदि करता हूँ व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखायनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनां, जितना मैं स्लो करूंगा उतना जल्दी आकलन होने वाला है। ओके दिस इज फर्स्ट गोल्डन रूल। सेकंड गोल्डन रूल, डू नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्लेइंग बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ साउंड। स्पीड मत बढ़ाइए और आवाज का जो क्वालिटी नीचे मत लाइए, आवाज की योग्यता श्रेणी उसको नीचे मत लाइए। थर्ड गोल्डन रूल, जो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस मंत्र जोर से गाना है मुंह से, इससे क्या होता है माइंड में मृदंग मंत्र आते, मंत्र पहले हाथ में नहीं आते, पहले माइंड में आते हैं, माइंड से फिर हाथ में आते हैं। तो माइंड में अच्छे से जाने के लिए जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो जोर से मंत्र गाना है, तेरे खेटा 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 तेरे खेटा। ओके यस सो ये थ्री गोल्डन रूल, पहला क्या है प्रैक्टिस स्लोली एंड गेट द क्लैरिटी, सेकंड है डोंट इंक्रीज द स्पीड एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, थर्ड है Always chant mantras aloud while practicing. These are the three golden rules. अगला प्रश्न बहुत सुंदर है, कौन सी सखी करताल प्ले करती अष्ट सखियों में से, कौन सी सखी मृदंग प्ले करती है? तो इसमें से विशाखा मृदंग प्ले करती है और सुदेवी करताल बजाती है। ओके अष्ट सखियों में से ललिता वीणा प्ले करती है, विशाखा मृदंग बजाती है, तुंग विद्या सप्तस्वर बजाती है, इंदुलेखा मंदिरा बजाती है, चित्रा गोंग थाली बजाती है, चंपकलता सारंगी बजाती है, रंगदेवी घंटा बजाती है और सुदेवी करताल। तो इसमें करताल मृदंग हमारे लिए मुख्य है, विशाखा मृदंग प्ले करती है, सुदेवी करताल प्ले करती है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
which spiritual personality are present on which side of mridanga, जो मैंने मृदंग के डायग्राम में ही बताया, मृदंग के अलग अलग अंग में कौन से आध्यात्मिक व्यक्तियां निवास करते हैं. तो राइट साइड पे गदाधर नित्यानंद प्रभु, लेफ्ट साइड पे गदाधर प्रभु, शरीर पे चैतन्य महाप्रभु, और जो 64 पट्टियां हैं चमड़े की वो महाप्रभु के वक्त जो 64 महंत थे वो. Yes. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, चार छोटे छोटे क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बना है. व्हाट इज सम, मात्रा, ताल और लय. सम, मात्रा, ताल और लय. सम मतलब ताल का पहला बजाया जाने वाला बीट, उसको सम बोलते हैं. कौन से भी ताल का, जैसे धागी थे इतना करना कि धा है, खी खी ने धा के धिन, धिन से चालू करते हैं ना, धिन धिन ता ता तेरे धिन, ये सम है. कौन से भी ताल का पहला बीट ये सम है. मात्रा मतलब कोई भी ताल में बजाने वाले बीट्स की संख्या, ये मात्रा है. मात्रा क्या है, कौन से भी ताल में जो बीट्स की संख्या, संख्या को बोलते हैं मात्रा. दाशपेर ताल में कितने मात्राएं हैं, 16. कहरवा में 8, तो ये मात्रा है. फिर ताल किसको बोलते हैं, ताल. ताल अलग अलग मात्राओं की श्रृंखला को ताल बोलते हैं. अलग अलग मात्राओं के अलग अलग तरह की श्रृंखला बना के जो ध्वनि, सुमधुर ध्वनि जो उदित होता है उसको ताल बोलते हैं. ओके. लय किसको बोलते हैं, लय. लय किसको बोलते हैं, किसी भी ताल के वेग को लय बोलते हैं. द स्पीड ऑफ ताल वी नो इट एज लय. तो लय तीन प्रकार की है. कौन से तीन प्रकार की लय है, विलंबित, मध्य, द्रुत. कौन कौन सी लय है, विलंबित, मध्य और द्रुत, ये तीन तरह की लय है. विलंबित मतलब एकदम स्लो, जैसे संसार दावा नलिह लोक त्राणाय कारुण्य घना घना, तो ये विलंबित. मध्यम क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. द्रुत क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये क्या है, द्रुत लय. तो विलंबित, मध्य, द्रुत. तो अब तक का जो चर्चा हुआ वो चर्चा है थेरी, अभी तक का थेरी. तो इसमें किस किस को कुछ प्रश्न है जो अभी तक जो चर्चा हुई है, तो कृपया प्रश्न पूछिए. नहीं तो हम अगली चर्चा करेंगे. अगला पार्ट थेरी का ही है पर थोड़ा उसका स्वरूप अलग है, उसमें अभी मंत्र पूछे जाने वाले हैं, अलग अलग मंत्र. ओके. Yes. तो अगला पार्ट है अभी तक का जो चर्चा हुआ उसको 40 मार्क है और अगला 50 मार्क का एग्जाम है जिसमें आपको मंत्र लिखने हैं. क्यों लिखने है? क्योंकि मैंने बोला पहले मंत्र मन में आते हैं फिर मन से हाथ में आते हैं, तो इसी तरह से आपको लिखना है. तो पहला प्रश्न, कौन सी भी दो हाथुती मंत्र लिखिए जो अभी तक जो सिखाया है, तेरे केटा फिर तेरे केटा तेरे केटा तेरे 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 केटा तीखी ताकि तेरे केटा केटा ताकि तेरे केटा. अगला प्रश्न, कहरवा ताल और उसके वेरिएशन लिखिए. कहरवा ताल और उसका कोई भी एक वेरिएशन लिखिए, जैसे कहरवा ताल धागी तेते ताके धेना, धागी तेते ताके धेना, और वेरिएशन धा धाते ताके धेना, या धा धा धाते ताके धेना, या धा तेते ताक धेना. ये अलग अलग तरह के वेरिएशंस लिख सकते हैं. कहरवा ताल कितने मात्राओं का है वो बताइए, कितने मात्रा कोई बताएगा इसे, जो पार्टिसिपेट्स में से कोई. 8. दशपेरे ताल 16. 16. द्रुत कहरवा
सिक्स या द्रुत के अलावा छह मात्राओं में. ओके अगला प्रश्न है दाशपेरे ताल लिखिए दो तिहाई के साथ. दाशपेरे ताल की कितने मात्रा वो भी लिखिए. दाशपेरे ताल लिखिए कैसे क्या खी खिने दागे दागे दा दिन दिन ता ता तेरे तेरे ता. इसका चार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिर्फ मंत्र लिखो बहुत हो गया. ओके और उसके साथ दो मात्रा तिहाई. अगला प्रश्न है कौन से भी दो दो मात्रा तिहाई लिखिए. तो तिहाई तो हमने कितनी सीखे तेरे घेटा तेरे घेटा जा तेरे घेटा जा. नेक्स्ट तक तक जा तक तक जा. नेक्स्ट खिखी जा खिखी खिखी जा खिखी खिखी जा. और फिर ताकी की जा ताकी की जा ताकी की जा. इस तरह से तिहाई हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन द्रुत के अलावा ता लिखिए और उसका एक वेरिएशन. फास्ट रिदम लिखिए द्रुत के अलावा. फास्ट रिदम यानी द्रुत के अलावा क्या लिखना है. द्रुत के अलावा में घिन्ना तेनाग देना घिन्ना तेनाग देना घिन्ना तेनाग देना. पेपर में ऐसे लिखना है घिन्ना तेनागे देना. और उसका कनेक्शंस लिखिए दो कनेक्शंस. कनेक्शंस क्या सीखे हमने तान तान ता तान तान ता. और क्या तत ता तत ता तत ता तत ता तत ता. कनेक्शंस लिखिए. ओके और फास्ट कीर्तन का वेरिएशंस लिखिए. वेरिएशन क्या क्या सीखे हमने ताकी किताग दिन ताकी किताग दिन ताकी किताग दिन. उस और तक 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 दिन तक 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 दिन तक 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 दिन. तो ये लिखिए. तो ये सब इस तरह से ये है. और 10 मार्क प्रैक्टिस शीट के लिए जिनकी उन्होंने प्रैक्टिस शीट भरा है या बार बार मुझे रिपोर्टिंग किया है कि मैंने आज इतना समय बजाया कल मैंने उतना समय बजाया इस हफ्ते मैंने इतना बजाया. ये जो रिपोर्टिंग करेंगे उनके लिए 10 मार्क बोनस. तो ये अब तक का चर्चा है. तो कोई प्रश्न तो आज का हमारा ये कंक्लूडिंग सेशन है जो कुछ एग्जाम में आने वाला है. और प्रैक्टिकल में उदय सिंधु प्रभु लेंगे कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सब होने के बाद आप सब ने जहाँ कहीं भी हो आपके कीर्तन में पार्ट लेना है सक्रिय सहभाग लेना है. आपके यहाँ जहाँ कभी आप मंदिर के नजदीक रह रहे हो तो बहुत ही अच्छा. तो मंदिर के में कभी कीर्तन का स्लॉट लीजिए. आपको लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं बजा पा रहा हूँ या पा रही हूँ तो आप कहीं ऐसा और स्लॉट ले सकते हैं जो दोपहर के 4-4:30 बजे वाला. और नहीं तो आरतियों में आपके घरों में ही मंगल आरती शयन आरती ऐसा आप कर सकते हैं. घर पे आपके घर पे ही मंगल आरती शयन आरती आप कर सकते हैं. कीर्तन नरसिंह आरती में बजा सकते हैं. और नहीं तो फेसबुक में एकादशी के दिन फेसबुक में 12 घंटा कीर्तन रहता है तो फेसबुक में भी आप ये कर सकते हैं कीर्तन. यस तो मतलब ऐसा है कि जब तक पानी में कूदी नहीं मारते तब तक तैरना नहीं आता. तो जब तक आप एक्चुअल बजाना नहीं चालू करोगे तब तक कीर्तन आना बहुत डिफिकल्ट है. ओके तो ये रहा आज तक का चर्चा. किसी को कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए. प्रभु जी ये प्रैक्टिकल कब होगा अप्रोक्सीमेट डेट. मैं एक्चुअली मैं फिगर आउट करता हूँ. शायद अभी जन्माष्टमी के सबको बहुत सेवा है. मैं देखता हूँ उसके पहले हुआ तो बहुत ही अच्छा है. मैं अनाउंस करूँगा. मैं विश्व किरण प्रभु को भी ये करूँगा. तो डरिएगा मत कोई भी कोई जरूरत नहीं. सबको मैं बताऊँगा ये अच्छे से कब रहेगी एग्जाम. ओके प्रभु जी उसके बाद ही रखे तो बेटर होगा. उसके पहले तो इस तो आप जन्माष्टमी में बजाइए ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से ये हो जाए. जस्ट अ मिनट समबडी इज देयर ऑन माय डोर स्टेप. एक
Yes, Vishwakiran Pro. If questions are not there, we'll conclude now. Okay, Pro. Okay. Fine, Pro. Yes. So, Pro, we won't be getting any questions, right? Yes. Can you repeat? हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे राइट क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बैंक में ही अभी तक ये क्लास आप एक काम करो सब ग्रुप में शेयर कर डालो इस क्लास का लिंक मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा तो फिर वो लीक होने जैसा होगा ना एग्जाम का अर्थ क्या है फिर तो मतलब इसलिए सब भी भक्त ये क्लास एक बार वापस पढ़ सकते हैं और मैंने नोट्स भेजा है वो नोट्स के बाहर कुछ आने वाला नहीं है भी आप पढ़ लीजिए वो नोट्स लाइक अ सिलेबस फॉर एग्जाम ओके प्रभु जी तो आप नोट्स भी पढ़ लो और उसके बाद ये क्लास का भी वापस रिकॉर्डिंग एक बार सुन सकते हैं और इससे आप एग्जाम दे सकते हैं यस यस और आप में से कोई यदि एक्सपर्ट हो जो मल्टीपल ऑप्शन का कोई टूल जानते हो तो मुझे कृपया बताइए ताकि मुझे एग्जाम सेट करने एग्जाम का पैटर्न तो मुझे पता है पर वो कौन सा टूल है जो मल्टीपल ऑप्शन करके रिजल्ट तुरंत दे देता है ऐसा कोई अभी आप सब आईटी के फील्ड वाले हो प्रभु जी गूगल फॉर्म है गूगल फॉर्म yes. कर सकते हैं ओके तो जो कोई भी है मुझे बाद में मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा ओके तो कौन है आपका नाम कौशल प्रो मैं आपको नंबर भेजता हूं कौशल प्रो ओके तो मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके मल्टीपल ऑप्शंस का मैं सेट करूंगा क्वेश्चंस ऑनलाइन यस प्रभु जी श्योर Okay. So, Proji, thank you for such a wonderful course. And yeah, Proji, looking forward for level 2 in future. Surely. Yes, Prabhuji, thank you so much. Yes. Thank you so much, Prabhuji. And one thing, Prabhuji, ये subjective like हमको paper पे लिखना होगा मतलब आप कैसे exam लेंगे, Prabhuji? अभी कैसे है अब तक तो ऑफलाइन सब आते थे तो मैं लिखवा के लेता था फुल के ऊपर पर अभी ऑफलाइन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है तो ऑफलाइन मतलब मेरे सामने पेपर देते थे अब तक के बैच वाले पर अभी आप सब मेरे सामने है ही नहीं तो फिर क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर वो ओपन बुक एग्जाम जैसा हो जाएगा तो इससे अच्छा मल्टीपल ऑप्शन रखेंगे जो ऑनलाइन रहेंगे और थोड़ा कम टाइम रखेंगे ताकि आपको फटाफट उत्तर देके ये हो कर सकते हैं अच्छा ओके एमसीक्यू लाइक आप ऐसे बोल रहे हैं ना मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ना जो मार्क करना राइट आंसर यस यस ओके ओके तो फिर ये डायग्राम कैसे करेंगे प्रभु जी फिर हम लाइक मृदंगा का आप डायग्राम निकाल के मुझे फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं वो एक क्वेश्चन का सिर्फ वो ड्रॉबैक रहेगा कि मुझे ग्रुप के ऊपर फोटो व्हाट्सएप करो ग्रुप के ऊपर करने का फायदा ये कि सबको एंथुसियाज्म मिलेगा एक दूसरे का डायग्राम देख के ओके यस हरे कृष्णा प्रभु बट सिर्फ एमसीक्यूज कैसे रहेंगे तो अभी जो भी डिस्कस किया वो एमसीक्यूज में कैसे आ सकते हैं लिखना भी पड़ेगा ना हाँ तो मैं और दया सिंधु प्रभु थोड़ा फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे ये मसला सॉल्व किया जाए थोड़ा हमारा अभी मीटिंग भी बिजी है मैं भी बहुत बिजी हूँ तो हम दोनों एक साथ आएंगे और सारा इसमें कि मंत्रस को कैसे मल्टीपल इसमें ये करना है और वो सब हम चर्चा करेंगे प्रभु जी ये गूगल फॉर्म में वी कैन आल्सो हैव सब्जेक्टिव मतलब अगर टाइप करना है तो ओके ठीक है तो वो भी कौशल प्रभु के साथ में बैठ के फिगर आउट करता हूँ यस हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस सो प्रभु जी वी विल लाइक टू एक्सप्रेस अवर स्पेशल ग्रेटिट्यूड फॉर ट्रेनिंग अस फॉर मोर देन 2.5 months सो नाइसली एंड वी ऑल डिवोटीज आर हैप्पी टू बी टॉट बाय यू फॉर लास्ट 2.5 months 3 months सो वी विल लाइक टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड बाय 3 times चैंटिंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल So looking forward for the exam and I like to thank you मतलब आप हमको कितना झेलते थे बच्चे मतलब प्रभु समझ नहीं आ रहा है दोबारा बताओ ये करो सो हाउ मतलब आप यूज टू टॉलरेट अस एंड प्रभु समझ नहीं आया दोबारा बताइए सो हाउ यू अगेन एंड अगेन पेशेंटली यूज टू टीच अस
एंड यू आर टीचिंग अस सो लुकिंग फॉर लेवल टू डेफिनेटली सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर टाइम एंड फॉर गाइडेंस दिस इज द मोस्ट पेशेंट बैच मतलब मोस्ट आई एवर एक्सपीरियंस्ड सब अच्छे से आगे सिमुलेट कर रहे थे समझ रहे थे इसमें मेरी यंगेस्ट स्टूडेंट भी इस बैच में गोद में यस यस इज नॉट देयर टुडे ब्रो आज आज ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू ब्रो जी बहुत धन्यवाद जय प्रभु की जय Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.